जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। फौजी सरबराहान दी मदद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 11 माह 3 दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। 21 दिसंबर 2019 से जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह के लिए चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होंगे। अगला नंबर जस्टिस उमर अता बंदियाल का होगा। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ, ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। सारा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा। अगर तुम हाथ साथी सेलेक्ट हो गए हो तो काम भी करो। साजिश हमारे खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ है। इतना दीवार से मत लगाओ कि अवाम हाथ में न रहे। आसिफ अली जरदारी की ललकार। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का फैसला वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि जेआईटी रिपोर्ट में से किसी का नाम नहीं निकाला जा रहा। वजीर आजम इमरान खान से कारगिल इंटरनेशनल के वफ की मुलाकात। कारगिल इंटरनेशनल का पाकिस्तान में 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक कारगिल इंटरनेशनल अगले 3 से 5 साल के दौरान सरमायाकारी करेगी। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदे जलमे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में तहादी अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टन, अमरीकी सदर की डिप्टी असिस्टेंट लीजा कर्ट्स भी मौजूद थीं। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन खत्ते में अमन के लिए अहम है। कराची औरंगी टाउन में टारगेट किलिंग, फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मरने वाला नदीम सियासी जमात का कारकुन निकला। राजू और इम्तियाज करीबी दोस्त थे। पुलिस का कहना है जमीन के तनाजे पर मारा गया। अल आसिफ स्क्वायर के करीब भी गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बगरोड सबसे ज्यादा सर्द मकाम करार। पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू कालाम में -10, गोपिस -9, अस्तोर में -8, दीर -4 और चित्राल में -3 रिकॉर्ड। कराची में मतला साफ, मौसम खुश्क रहने का इम्कान। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिका में हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई, वफाकी मुलाजिम रुल गए। लाखों मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। न्यूयॉर्क के कुछ होटल्स बेरोजगारों को मुफ्त खाना खिलाने लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी में तंजिया कलमात का भी तबादला। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें रेलवे ट्रैक्स बर्फ से ढक गए। कैलिफोर्निया के साहिल पर तेज समंदरी हवाएं। मालिका बर्तानिया के शौहर शहजादा फिलिप की गाड़ी को हादसा। ड्यूक ऑफ एडिनबरा महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में सर्कस का एहतमाम। बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन फनकारों और लोगों में घुल मिल गए। और मुंबई में फैशन शो के दौरान आवारा कुत्ते की रैंप पर एंट्री। मॉडल्स के गिर्द घूमता रहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।